हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर को फाइंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थ्री क्वेश्चंस को लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 2x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 बाय x प्लस 3। हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मैथड यूज करना है। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था जिसमें हमने बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमने रिमाइंडर निकाला था। अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो आप x प्लस 3 से डिवाइड करोगे बच्चों, 2x 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे x को 2x 4 बनाने के लिए हमें 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x पे पावर 4। अब ये 2x क्यूब को बाकी बचे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x क्यूब इनटू 3 जो हो जाएगा बच्चों 6x क्यूब हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप जितने बचे हुए टर्म है इसे लिख डालोगे। फिर देखो बच्चों, x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए हम प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x स्क्वायर होगा। और प्लस 2x को फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 6x होगा। फिर ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे माइनस 5x होगा और माइनस 8 होगा। फिर x को माइनस 5x बनाने के लिए हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 5x और माइनस 5 थ्री जब 15, तो ये प्लस तो 15 में से 8 जाएगा बच्चों 7 होगा। तो इसीलिए रिमाइंडर जो हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7। इसी तरह चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो में देखो 2x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5। ओके, तो देखो बच्चों 2x को 4x क्यूब बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जब 4 और x इंटू x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। 4x क्यूब, 2x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा। फिर इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 2 में से 12 जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर बचेगा प्लस 11x माइनस 5। अब 2x को माइनस 10x स्क्वायर बनाने के लिए हम माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसे लिख लेते हैं माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 5x इंटू माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा बच्चों 5x। ये प्लस ये माइनस देखो आपकी ये कैंसिल होगा, तो 11 माइनस 6 जो होगा, 11 माइनस 5 जो होगा वो 6x हो जाएगा और माइनस 5। फिर 2x को 6x बनाने के लिए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये 6x होगा और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस ये प्लस, तो 3 में से 5 जाएगा, माइनस 2 बचेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा ये क्या होगा, आंसर माइनस 2। ओके, इसी प्रकार हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। दिए गए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 से। तो ध्यान से समझेंगे, 3x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है किसमें, 81x 4 प्लस 54x क्यूब प्लस 11x और माइनस 5 है। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस 9x स्क्वायर है, माइनस 3x है और प्लस 2 है। ओके, ध्यान देंगे और इसे हमें 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है। बच्चों फिर यहाँ पर ध्यान दो, 3x को 81x 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 27x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ 27x क्यूब, 27 इंटू 3 जो होगा बच्चों 81 होगा, एक्स क्यू इंटू एक्स 4 हो जाएगा। फिर 27 इंटू 2 करोगे तो 54x क्यू होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये दोनों टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल। फिर यहाँ पर क्या नोट करोगे, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो बच्चों 3x को माइनस 9x स्क्वायर बनाने के लिए हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 6x होगा। फिर इसे आप प्लस कर दो, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे
ये कैंसिल, 6 में से 3 जाएगा, 3x प्लस 2 बचेगा। अब देखो बच्चों 3x को 3x बनाने के लिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 0। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करके भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।